लॉकडाउन के चलते रेड क्रॉस सोसाइटी यमुनानगर में सामाजिक और धार्मिक संस्थानों द्वारा भेजा गया राशन कई संस्थाओं द्वारा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यमुनानगर के एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा ने रेड क्रॉस सोसाइटी का दौरा किया। उन्होंने बताया कि ये खाना और राशन कई धार्मिक संस्थानों द्वारा दिया जा रहा है, जो रेड क्रॉस के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे समाज का काम समाज के सहयोग से ही होता है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं जो मानवता में विश्वास रखती हैं, जिनका दृष्टिकोण नर सेवा नारायण सेवा में है, वो खाना बनाकर यहाँ भेजती हैं। रेड क्रॉस के अधिकारी अन्य लोगों का सहयोग लेके स्वयंसेवी संस्थाओं का उसको जहाँ से भी मांग आती है उस मांग को पूरा करते हैं। और दोपहर के समय भी और शाम के समय में भी फूड पैकेट जिनको आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचाए जाकर लोगों को दो टाइम का भरपेट भोजन उनके घर में नहीं है, उनको हम भोजन बनवा कर दे रहे हैं ताकि कोई भी यमुनानगर में भूखे पेट